A wonderful morning, students. This is class 8th science, chapter number 4, materials, metals and non-metals. We have completed physical properties of metals and non-metals. So from that you have learnt about these some key terms. So your work is to learn these key terms. I will make you understand these key terms one more time, as we have already discussed about this in the chapter. कंडक्टर, अ सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू देम. कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या हीट को आने देते हैं, पास होने देते हैं. डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है? जिसकी आप मार कर, उसे बीत करके आप उसकी क्या बना सकते हैं? पतले पतले वायर्स. सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसके जरिए, जिसकी वजह से, दीज कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स. इनको आप पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? किसी भी एटम्स की प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस है. अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हो, कोई भी प्योर सब्सटेंस. मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मीन्स क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, दीज कैन बी बिटन इन टू थिन शीट्स, जिसकी वजह से आप इनको क्या बना सकते हो? पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटलोइड्स, मेटलोइड्स क्या होते हैं? जो ना तो मेटल होते हैं ना नॉन मेटल, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज रखते हैं. एलिमेंट्स शोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लास्ट वन सोनोरिटी. सोनोरिटी क्या था? साउंड से रिलेटेड, यानी किसी चीज़ से अगर उसे टकराते हैं तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता है या नहीं. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसके जरिए दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हीटिंग, हीट करने पर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करें. ये 72 पेज नंबर पे गिवन थे की टर्म्स चैप्टर नंबर 4 के, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के. सो योर वर्क इज टू लर्न दीज की टर्म्स, देन वी विल रीड फर्दर चैप्टर. Because we have already discussed about these key terms in our previous videos, so learn it first, then we will start next topic of this chapter. Thank you very much and have a nice day.